प्राचीन काल में जब भगवान विष्णु धरती लोक पे तिरुपति रूप में आए तो उन्होंने उस समय चींटियों का बिल अपने रहने के लिए चुना। उस बिल पर रोजाना एक गाय आकर दूध देकर चली जाती थी, जिसे बिल में बैठे तिरुपति जी पी लिया करते थे। एक दिन गाय के मालिक ने गाय को बिल के बाहर दूध देते देखा तो गुस्से में गाय पर अपनी कुल्हाड़ी से वार कर दिया। गाय को बचाने के लिए तिरुपति जी आगे आए, जिससे उनके सिर पर चोट लगी, साथ ही उनके सिर के हिस्से के कुछ बाल भी गिर गए। ऐसा होने से भगवान तिरुपति जी के मनोहर रूप में मानो छोटा सा दाग लग गया हो। जब तिरुपति जी की माँ को यह पता चला तो उन्होंने अपने सिर के कुछ बाल निकाल तिरुपति जी के चोट लगे स्थान पर लगा दिए। इस तरह तिरुपति जी वापस से मनमोहक हो गए और उनका जख्म भी ठीक हो गया। तिरुपति जी अपनी माँ से बोले, बाल सुंदरता को बढ़ाते हैं और आपने मेरे लिए उनका त्याग किया है। आज से जो भी भक्त मेरे लिए अपने बालों का त्याग करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। कहते हैं तभी से तिरुपति जी बालाजी के मंदिर में भक्त अपने बालों का मुंडन कर उन्हें भेंट करते हैं।